So, hello students, welcome back. Due to a network problem, the last video jo gayi thi wo band ho gayi thi. So now we are going to continue what we were discussing in the last week. So second point se dobara se shuru karte hain. The electron acceptor passes them to a chain of electron transport system consisting of the cytochromes. So what is important in this thing? That is important ki ye jo electron transport system hai, usme kya hote hai? Cytochromes hote hai, the colored pigments of cells. Cytochrome ka, cyto ka matlab hota hai cell, chromes ka matlab hota hai colors. So ye jo cytochromes hote hai, they pass the electron from one part to the next part. This movement of electrons is downhill in terms of redox potential scale. So इसका क्या मतलब हुआ? Downhill in the terms of redox potential scale. Students, redox potential scale क्या होता है? ये देखो, इसका मतलब downhill का मतलब नीचे जाना नहीं है, That is that doesn't means कि downhill. Downhill का मतलब है redox potential के according. Redox potential के according क्या होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है एक एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10. सो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, दिस इज नोन एज द अपहिल मूवमेंट. एंड अगर यहाँ से इधर वाली साइड कम इलेक्ट्रॉन्स वाली साइड मूवमेंट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउनहिल मूवमेंट. सो दिस दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल इन द टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल. रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज डाउनहिल. द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट्स ऑफ PS1. अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे ट्रांसफर हो गए? PS1 से. पहले कहाँ पे थे? PS2 के अंदर. PS2 के साइटोक्रोम, PS2 से साइटोक्रोम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग अप टू द PS1. नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट. साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन PS1 आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव लाइट, रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर. सो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, कि जो PS फोटोसिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर की लाइट से एक्टिवेट होता है एंड जो फोटोसिस्टम 1 है दैट इज एक्टिवेटेड बाय द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर. तो जब फोटोसिस्टम 2 को 680 नैनोमीटर की लाइट मिलती है वो एक्टिवेट होता है और जब फोटोसिस्टम 1 को 700 नैनोमीटर की लाइट मिलती है वो एक्टिवेट होता है. एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल. अब ये जो फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फिर से एक उधर वाली साइड चला जाता है जहां पे रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है. इसका मतलब क्या है? These electrons are moved downhill to a molecule of NADP+. NADP+ के molecule के पास plus मतलब no electron. Electron lose होने के बाद ही positive charge आता है ना किसी भी molecule के ऊपर. तो फिर अब ये जो electron हमारे पास पड़ा है ये क्या करेगा? NADP+ के पास चला जाएगा. NADP+ के पास जाके उसका charge हटा देगा और उसको किसमें convert कर देगा? NADPH में. और एक जो प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. सो इन दिस वे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द इलेक्ट्रॉन इज वर्किंग एज इट इज गोइंग टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फिर उसके बाद ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास जा रहा है दोबारा से एंड देन इट इज गोइंग टू द फोटोसिस्टम 1 एंड उसके बाद दैट इज रिड्यूसिंग द NADP+ टू NADPH. The transfer of electrons from PS2 to PS1 and finally downhill to NADP is called Z scheme. इसको Z scheme बोलते हैं. Why? Because it is Z in shape. ये देखो students, you can see here. ये light है, light fall कर रही है light harvesting complex के ऊपर. Light harvesting complex के ऊपर जब light fall करेगी तो light harvesting complex क्या करेगा? Electrons को एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे भेजेगा? फोटोसिस्टम 2 के पास. फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे,
फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास साइटोक्रोम्स है, उसमें से फिर से दोबारा से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल सेंड द इलेक्ट्रॉन्स टू द फोटो सिस्टम वन। फोटो सिस्टम वन क्या करेगा स्टूडेंट, फोटो सिस्टम वन इज कन्वर्टिंग द NADP प्लस टू NADPH and this is the Z scheme. Why it is Z scheme? Because that is Z in shape. ठीक है, Z shape बना रहा है ना ये light harvesting complex से photosystem 2 को, फिर light harvesting complex से photosystem 1 को. This is making a Z shape. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं Z scheme. So due to its zigzag shape, this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. सारे कैरियर्स को जब हम रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर रख देते हैं तो ये जेड स्कीम जो है वो फॉर्म हो जाती है। हाँ जी, नाउ कम्स टू लाइट रिएक्शन एंड दैट इज द फोटोकेमिकल फेज। So first is the splitting of water in the light reaction or in the photochemical phase. Photo का मतलब light, chemical का मतलब reaction. Light reaction part is known as the photochemical phase. The next part is splitting of water. Splitting of water is known as photolysis. As the lysis or the breaking or the splitting is taking place in the presence of sunlight or light. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? Photolysis बोलते हैं. The water splitting complex in PS2 is located on the inner side of the thylakoid membrane. अब हमें पता है कि जो PS1 and PS2 है, PS2 is located on the inner side of the thylakoid membrane. यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको definitely आएगा कि light water splitting complex कहाँ पे present है and light harvesting complex कहाँ पे present है. So water is split into H plus O and electron. Water किसमें टूट जाता है students? Water is breaking down into 4 H plus ions, oxygen molecules and electrons. Now PS2 can supply electrons continuously by replacing electrons from water splitting. Students क्या आपने Z scheme के अंदर एक चीज note की? Z scheme इसीलिए है क्योंकि वो Z shape बना रही है और ये Z shape बना रही है इसका मतलब ये है कि non cyclic है. नॉन साइक्लिक का क्या मतलब हुआ कि जहां से ये रिएक्शन शुरू हो रहा था उस साइड से ये रिएक्शन खत्म नहीं हो रहा है, दिस इज नॉन साइक्लिक। अब बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जहां से आया था वो इलेक्ट्रॉन गया तो कहीं और है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करेगा एंड जेड स्कीम आगे कैसे चलेगी? जेड स्कीम आगे चलेगी वॉटर के स्प्लिटिंग से। जो पानी हम डालते हैं पौधों को और जो पानी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, दैट इज स्प्लिटेड अप, वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटेड अप टू फॉर्म द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए वो स्प्लिट अप हो जाता है। इसी वजह से थस PS2 प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम PS1, क्योंकि PS1 ने क्या किया, PS1 ने तो NADP के पास इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए एंड फिर PS2 ने दोबारा से न्यू इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना लिए, वाटर को तोड़ के। Now, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है, the protons H plus are used to reduce NADP to NADPH and oxygen जो है वो liberate हो जाती है, क्योंकि देखो students हमने क्या किया, हमने NADP plus था उसको क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया NADPH के अंदर। और जो हमारे पास लाइट वाटर की स्प्लिटिंग करने के बाद H प्लस बना था वो भी इसके पास आ गया एंड अल्टीमेटली NADP किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH प्लस H प्लस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंड प्रोडक्ट कैसे बन रहा है जेड स्कीम के अंदर, ये आपको समझ आ गया ना। वाटर की स्प्लिटिंग के बाद हमें क्या क्या कुछ मिला देखो दोबारा से, ये 2H2O है, 2H2O को तोड़ के हमने 4H प्लस निकाल लिए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये यूज कर लेगा
जेड स्कीम के अंदर एंड अल्टीमेटली एनएडीपी के पास चला जाएगा, और ये जो एच प्लस है वो भी एनएडीपी के पास चले जाएंगे, पर ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी, एनवायरमेंट के अंदर. यस, यही तरीका है प्लांट्स का टू प्योरिफाई द एयर. नाउ सो PS2 can supply electrons continuously by replacing electrons from water splitting. PS1 जितने मर्जी electrons NADP को दे दे, लेकिन जो PS2 है वो water की splitting करके जितने electrons उसे चाहिए उतने electrons ये निकाल लेगा. The protons H plus are the protons are used to reduce NADP to NADPH. And oxygen is liberated as a byproduct of photosynthesis. Photosynthesis का base product होता है oxygen. Yes, oxygen. वही oxygen जिसको हम as oxygen mask use करते हैं, and जिस oxygen mask के doctor इतने सारे पैसे लेता है. That is a waste product of photosynthesis. So plants का waste भी देखो कितना ज़्यादा useful है हमारे लिए. Now next part in the photochemical phase, that is light reaction, is the photophosphorylation. The synthesis of ATP by cells in the mitochondria and chloroplast is called phosphorylation. Phosphorylation क्या होता है? Phosphorylation का मतलब होता है addition of phosphorus. तो ये जो हमारे पास ADP है, मतलब adenosine diphosphate. Diphosphate के अंदर एक और phosphate plus कर दो तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट. तो ये क्या बन जाएगा, एटीपी. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन हमारे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स के अंदर हो रही है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दूसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तीसरा ये पेरोक्सिसोम्स के अंदर भी होती है. सो इन द थ्री ऑर्गेनेल्स इट टेक्स प्लेस. बेसिकली photophosphorylation photosynthesis ke andar hoti hai, the phosphorylation that is taking place in the presence of light. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP in chloroplast in the presence of light. Ye jo photophosphorylation hai students, that is also of two types, ek cyclic form ke andar and ek non cyclic form ke andar. So let us now deal with the photophosphorylation. क्योंकि phosphorylation हम respiration chapter के अंदर पढ़ेंगे, अब हम read कर रहे हैं photophosphorylation. Photophosphorylation के अंदर जो first topic है हमारा, that is non-cyclic photophosphorylation. So non-cyclic photophosphorylation, it occurs when the two photosystems work in a series. First PS2 and then PS1, मतलब ये Z scheme, ठीक है. फोटोसिस्टम्स में जो फोटोसिस्टम 2 है उसका नाम है P680 क्यों, क्योंकि वो 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है. एंड PS1 का नाम है P700 क्योंकि वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है. सो फर्स्ट PS2 एंड देन PS1 थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर सीन इन द जेड स्कीम. हियर एडीपी एंड ATP and NADPH plus are synthesized. ये देखो students, यहाँ पे जहाँ पे ये electron transport system हो रहा है, यहाँ पे ADP is being converted into ATP, ठीक है जी, and NADP is converted into NADPH. It is non-cyclic because the electrons are lost by PS2 and do not come back but pass to NADP. इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जेड स्कीम जेड इसलिए है क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है. तो जो हमारी पहली टाइप ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कुछ भी नहीं है, दैट इज जेड स्कीम ओनली. इसको इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कन्वर्टिंग द एडीपी, दैट इज एडीनोसाइन डाइफॉस्फेट टू एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. And it is Z shape. It is non-cyclic. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, non-cyclic photophosphorylation. Now in the case of cyclic photophosphorylation के केस में क्या हो रहा है students? Let us see. It occurs in the stroma lamellae when only PS1 is functional. यहाँ पे स्ट्रोम ये क्या वहां पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, स्ट्रोमा के लैमेलेस के अंदर हो रहा है. हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दोबारा से पढ़ा था,
उसमें आपने देखा था स्ट्रोमा, थैलाकोइड एंड अदर स्ट्रक्चर्स को, आप दोबारा से जाके वो वीडियो में देख सकते हो व्हाट इज स्ट्रोमा लैमेले। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रही है? स्ट्रोमा लैमेले के अंदर। ऑन द अदर हैंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रही थी? थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ओनली व्हेन द पीएस1 इज फंक्शनल, जहां पे पीएस1 फंक्शनल होता है, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड एटीपी सिंथेसिस अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये साइक्लिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। The lamellae of grana have PS1 and PS2. The stroma lamellae lack PS2 and NADP reductase. यहाँ पे PS2 भी नहीं होता, NADP reductase भी नहीं होता, तो ना ही NADP convert होगी NADPH के अंदर, और ना ही जो electron जो PS2 है उसका कोई काम होगा। The electron does not pass on to NADP but is cyclic back to the PS1. तो जब ये electron NADP के पास नहीं जाएगा तो किसके पास वापस आएगा? PS1 के पास। यहाँ पे ATP ही synthesize होती है, NADPH नहीं synthesize होती। Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelength beyond 680 nanometer are available. एक तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी wavelength के ऊपर हो रहा है ये, एंड नेक्स्ट आपको ये याद रखना कि कहाँ पे हो रहा है, एंड पी एस टू नहीं काम कर रहा यहाँ पे, एनएडीपी रिडक्टेज भी नहीं काम कर रहा, इसीलिए जो ये फोटोकेमिकल फेज है वो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।